हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, आर अंगरुया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावटी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एमकॉम फाइनल में चलने वाला पेपर ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विषय तथा सीए फाइनल में चलने वाला पेपर ऑपरेशन रिसर्च, जिसे हम ORQT भी कहते हैं, से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है गेम थ्योरी। मेरे पिछले दो लेक्चर में आपको मैंने बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी पढ़ाई, उससे सेकंड लेक्चर में आपको मैंने 2-person 0-sum गेम पढ़ाया, जो न्यूनाधिक सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात जिस क्वेश्चन में हमारा सेटल पॉइंट आ गया उसमें गेम पॉइंट, गेम थ्योरी का सवाल आपने कैसे हल किया, ये आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। कई बार आप गेम थ्योरी का कोई सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं और एक समस्या ही आ जाती है कि हमें सेटल पॉइंट नहीं मिलता, अर्थात सम्य बिंदु नहीं आया, तो कौन सा प्लेयर कौन सा ऑप्शन यूज करे ये हम तय नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम गेम थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आते हैं, और आज का लेक्चर है वह मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम्स इन गेम थ्योरी पर आधारित है, अर्थात मिश्रित व्यू रचनाओं वाली खेल समस्याएं, इनका हम किस प्रकार से हल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप सेटल पॉइंट नहीं निकाल पाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको इन मेथड में आना है। और मिश्रित व्यू रचना वाली समस्याएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है 2×2 खेल, इसको हम ओडोमेंट्स विधि कहते हैं। एक है 2×n, अर्थात एक प्लेयर के पास दो ऑप्शन हो, दूसरे के पास दो से ज़्यादा हो। ठीक इसी प्रकार से एक प्लेयर के पास दो से ज़्यादा हो और एक के पास दो हो। तो ये पंक्ति व कॉलम खिलाड़ियों के लिए अलग अलग मैंने लिखा है। और जब दोनों ही प्लेयर के पास दो से अधिक ऑप्शन हो, तो M×N खेल के नाम से हम जानते हैं। तो मिश्रित व्यू रचना तीन प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में चार्ट पे भी समझाया था। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो है 2×2 खेल पर आधारित ओडोमेंट्स मेथड। तो ये कब लागू करें ये समझना है। आप कोई भी गेम थ्योरी का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, चाहे उसमें कितने ही ऑप्शन ए प्लेयर को हो, चाहे कितने ऑप्शन बी प्लेयर को, यदि ओडोमेंट्स, यदि आपके सेटल पॉइंट आ गया, तो आपको दो व्यक्ति शून्य युगफल खेल से हल कर लेना है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में सेटल पॉइंट नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आपको अगला कदम उठाना होगा, और वो है 2×2, अर्थात हमारे दो दो ऑप्शन हमें गेम में रखने होंगे। अगर दो से अधिक हैं तो हम प्रभाविता सिद्धांत से अधिक ऑप्शन को हटाएंगे। तो अतः स्टूडेंट्स, सभी खेल समस्याओं में साम्य बिंदु नहीं होता है, तो ऐसी अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने तथा संतुलन उत्पन्न करने के लिए मिश्रित व्यू रचनाओं के आधार पर हम हल निकालते हैं। जब खेल में कोई साम्य बिंदु ही नहीं है, तब ऐसे खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक विकल्प का चुनाव करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के खेलों में साम्य व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रतियोगी मिश्रित विकल्पों का उपयोग करता है, जो हम आज पढ़ रहे हैं। और हमारा पहला मेथड है 2×2 खेल। इसके स्टेप्स आप समझिए। नंबर वन है, इस खेल में व्यू रचनाएं 2×2 के समूह में होनी चाहिए। यदि 2×2 समूह में व्यू रचनाएं नहीं है, तब प्रभाविता के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का प्रयोग करके 2×2 में व्यू रचनाएं परिवर्तित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रभाविता सिद्धांत में मेरे अगले लेक्चर में लूंगा। अभी तो हम ले रहे हैं कि हमारे पास केवल 2×2 टेबल है, अर्थात दो ऑप्शन कॉलम प्लेयर के पास है, दो ही ऑप्शन रो प्लेयर के पास है। दो से अधिक होंगे तो प्रभाविता सिद्धांत हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रथम पंक्ति के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान दूसरी पंक्ति के सामने, वह दूसरी पंक्ति के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान हम प्रथम पंक्ति के सामने लिखेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। ठीक इसी प्रकार से थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। प्रथम कॉलम के दोनों अंकों के अंतर का धनात्मक मान दूसरे कॉलम के सामने, वह दूसरे कॉलम के अंकों के अंतर का धनात्मक मान प्रथम कॉलम के सामने लिखेंगे। तो ये हमें, पहले हमने रो के अंतर निकाले, फिर हमने कॉलम के निकाले। अगला स्टेप है, उपरोक्त अंतर ओडोमेंट्स कहलाते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी द्वारा अपनाए गए विभिन्न विकल्पों के अनुपातों को सूचित करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हुआ। अब स्टेप नंबर 5, ओडोमेंट विधि का उपयोग तभी संभव हो सकता है जब कॉलम ओडोमेंट व पंक्ति ओडोमेंट का योग समान हो, अर्थात जो योग करेंगे वो दोनों साइड से योग समान है, तभी ओडोमेंट्स विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। 6th स्टेप है, खेल का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, वी मीन्स वैल्यू ऑफ गेम,
ए वन इन टू बी वन माइनस बी टू का पॉजिटिव डिफरेंस प्लस बी वन इन टू ए वन माइनस ए टू का पॉजिटिव डिफरेंस डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू का पॉजिटिव डिफरेंस प्लस बी वन माइनस बी टू का पॉजिटिव डिफरेंस, इन दोनों का योग से हमें भाग देना है। तो ये फॉर्मूला हमारा वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए है, दो गुना दो अर्थात ऑडोमेंट्स मेथड में। अब यहाँ जो तो सिंबल्स क्या है उनको भी समझ लीजिए आप। यहाँ ए वन का मतलब है प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ का अंक, जैसे मैंने एक तालिका बनाई दी आपको, ये हमारी पंक्तियाँ हैं और ये हमारे कॉलम है। तो हमारी प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम का ये जो जगह है ये ए वन की जगह है, ए वन। ए टू का अर्थ है द्वितीय पंक्ति, ए टू मतलब प्रथम पंक्ति व द्वितीय स्तंभ का अंक, प्रथम पंक्ति हमारी प्रथम पंक्ति है और ये द्वितीय स्तंभ है, तो ये हमारा ए टू हो गया। बी वन द्वितीय पंक्ति व प्रथम स्तंभ का अंतर, तो बी वन देखिए द्वितीय पंक्ति तो ये द्वितीय पंक्ति और ये प्रथम स्तंभ तो ये बी वन हो गया, और बी टू द्वितीय पंक्ति व द्वितीय स्तंभ का अंक तो ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ के। देखिए समझने के दृष्टिकोण से विद्यार्थी समझिए, आप एक इस प्रकार की फोर स्क्वायर टेबल बनाइए जिसमें चार तो कॉलम हो और चार रो होंगी। यहाँ पर हम देखा ये जो रो है ये हमारे जो रो प्लेयर है उसके लिए रेशियो है, ये जो दो कॉलम बीच वाले ये कॉलम प्लेयर जो हमारा उसके जो है ऑप्शंस के कॉलम बन गई, और लास्ट कॉलम ऑडोमेंट्स का होगा और लास्ट रो ऑडोमेंट्स की होती है। तो हमें यहाँ ए वन लिखना है या ए टू लिखना है या बी वन लिखना है या बी टू लिखना है। अब आता है कि ये जो हमने लिखा है बी वन माइनस बी टू का अंतर और ए वन माइनस ए टू का, ये भी समझ लीजिए आप। तो ए वन माइनस ए टू का मतलब होता है ए वन व ए टू के अंतर का धनात्मक मान, और बी वन माइनस बी टू का मतलब है बी वन और बी टू के अंतर का धनात्मक मान। आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रेशियो लेना है आपको, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है न कि नेगेटिव, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ आपको, मैंने यहाँ एक तालिका बना के दे रखी आपको, आपको हर क्वेश्चन में ऐसी तालिका बनानी पड़ेगी। मैंने यहाँ लिखा दो, यहाँ लिखा मैंने जीरो, मैंने यहाँ लिखा है माइनस के आठ, मैंने यहाँ लिखा है छः। तो ये गेम था ये हमारा, दो जीरो माइनस आठ और छः, और ये दो बाई दो के हिसाब से लिखा है। मैं आपको ये बता दूँ, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप शटल पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमें इस मेथड में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शटल पॉइंट की बात करें तो इनमें छोटा अंक कौन सा था विद्यार्थी, देखिए सबसे छोटा अंक हमारे क्वेश्चन में आप निकालें तो इसमें है जीरो, तो मैंने यहाँ देखो जीरो लिख दिया, ये रो मिनिमा हो गई इसकी। यहाँ पर सबसे छोटा अंक क्या है माइनस आठ, मैंने यहाँ माइनस आठ लिख दिया। कॉलम में आप बात करिए तो कॉलम का आपको देखना है बड़ा अंक, कॉलम मैक्सिमा, तो कॉलम मैक्सिमा यहाँ दो है और यहाँ पर छः है। हमने कल पढ़ा था कि जो रो मिनिमा है जो आप निकाले थे रो मिनिमा, इस मिनिमम में तो मैक्सिमम देखना है और यहाँ मैक्सिमम में मिनिमम देखना है, तो ये अंतर कोई भी कॉमन नहीं आया हमारा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई शटल पॉइंट नहीं है, तो हम इसको टू बाई टू से हल करेंगे, ये कन्फर्म हो गया। अब हमें क्या काम करना है, पॉजिटिव से समझिए। मैंने आपसे कहा ए वन माइनस ए टू का मतलब है ए वन और ए टू के अंतर का धनात्मक मान, तो ये ए वन का मान है दो और ए टू का मान है जीरो, तो दो में से हम जीरो घटाइए, तो दो में से हमने जीरो घटाया तो दो ही बचेगा, और ये प्रथम पंक्ति है तो मैंने आपको बताया कि प्रथम पंक्ति के जो पहला स्टेप बताया था कि अंकों का अंतर का धनात्मक मान दूसरी पंक्ति के सामने लिखेंगे, तो मैंने लिख रखा है ए वन माइनस ए टू, यहाँ लिख रखा है ए वन माइनस ए टू, तो दो में से जीरो गया तो अंतर आया दो, तो मैंने दो लिख दिया। अब आप देखिए पहली, अब दूसरे निकालू बी वन माइनस बी टू का अंतर चाहिए, तो हमें माइनस आठ में छः नहीं घटाना है, हमें बटे में से छोटा करना है, अर्थात छः में से माइनस आठ घटाओ, छः माइनस माइनस आठ तो कितना हो गया चौदह हो गया, तो ये यहाँ चौदह लिखना पड़ेगा आपको, अर्थात बी वन माइनस बी टू का अंतर आपको चौदह लिखना है, माइनस आठ में छः नहीं घटाना है, बटी में से छोटी संख्या घटानी है। अब ये काम कॉलम में करिए, हमारे पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम में आप देख रहे हैं कि ए वन में से बी वन घटाना है, तो बड़ा अंक हमारा दो है और ये छोटा है, तो बटे में छोटा घटाओ, दो में से माइनस के आठ घटाओ, दो माइनस माइनस के आठ तो प्लस की हो जाएंगी, तो दस हो गया, तो ये यहाँ लिखना दस। अब पहले का कॉलम का अंतर दूसरे के सामने लिखा, अब दूसरे कॉलम का अंतर पहले के सामने आएगा, अंतर निकालिए छः में से जीरो गया तो ये छः, योग करिए दस और छः सोलह और चौदह और दो सोलह, ये दोनों साइड से योग बराबर आना चाहिए। तो आपको समझ आया होगा कि हम एक तालिका बता लेंगे फोर बाई फोर की, इन दोनों का अंतर इस रूप के सामने आएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ आएगा, पहले कॉलम के अंकों का अंतर दूसरे के सामने आएगा, दूसरे कॉलम के अंकों का अंतर
पहले के सामने आएगा। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे कि 2x2 गेम ऑटोमेट मेथड किस प्रकार से हम हल करें। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए के पास दो ऑप्शन है A1 और A2, और प्लेयर बी के पास भी दो ऑप्शन है B1 और B2। आपसे कहा है इस गेम को सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहले देखना है क्या हमारे क्वेश्चन में सेटल पॉइंट है क्या। अगर सेटल पॉइंट है तो हमें क्वेश्चन को सेटल पॉइंट के हिसाब से हल कर देना है। तो हम देखते हैं कि सेटल पॉइंट मैंने आपको कल बताया था कि आपकी जो रो है इसमें रो मिनिमा देखिए, तो रो मिनिमा हमारा इसमें है 1। यहां पर आप देखिए रो मिनिमा क्या है, ये माइनस के 5, तो रो मिनिमा हमने देख लिया। अब हमें देखना है कॉलम मैक्सिमा, कॉलम में मैक्सिमम क्या है, तो कॉलम में मैक्सिमम है हमारा 7, इस कॉलम मैक्सिमम हमारा 3, तो ये भी हम देख लिया। इतना काम करने के बाद हमें क्या काम करना है, पंक्ति न्यूनतम में से अधिकतम अंक देखना है। न्यूनतम में से अधिकतम हमारा किसमें 1 है, और कॉलम अधिकतम में आपको न्यूनतम अंक देखना है, ये हमारा 3 है। तो ये दोनों ही अंक हमारे अलग अलग हैं, असमान हैं, तो इस क्वेश्चन में सेटल पॉइंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम दो व्यक्ति शून्य योगफल के खेल से हल नहीं कर सकते। तो ऐसे खेल को हम 2x2 मेथड से हल करेंगे, और 2x2 मेथड से हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 4 कॉलम और 4 रो बनानी है। मैंने ये 4 कॉलम और 4 रो बना दी हैं, 2x2 से हल करना चाहता हूं इसको। B1 B2 दो ऑप्शन है, A1 A2 दो ऑप्शन है। ऑप्शन जो दे रखे मैं उतार दूं यहां पर, ये है 1 और ये दे रखा आपको 3, ये है दे रखा है 7 और ये दे रखा है माइनस के 5। हमारे सिंबल्स मैंने आपको समझाए थे स्टूडेंट्स, हमें वो यूज करने हैं सिंबल्स जैसा मैंने आपको बताया। हमारा पहला सिंबल यहां आएगा A1, ये A1 है, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा B1 होगा और ये हमारा B2 होगा। अब अंतर की बात करें तो मैंने आपसे बताया कि पहली पंक्ति का अंतर दूसरी के सामने आएगा, अर्थात यहां आपको A1 माइनस A2 का अंतर लेना है। दूसरी पंक्ति का अंतर पहले के सामने आएगा, अर्थात B1 माइनस B2 अंतर यहां लेना है आपको। पहले कॉलम का अंतर दूसरे के सामने जाएगा, तो A1 माइनस B1 यहां आएगा आपका, और दूसरे कॉलम का अंतर पहले के सामने आएगा, अर्थात A2 माइनस B2। ये नॉन नेगेटिव डिफरेंसेस हमारे लिखने हैं। तो विद्यार्थियों आप हल करके देखिए, आप हमें पॉजिटिव अंतर लेना है, न कि 1 में से 3 घटाना बल्कि 3 में से 1 घटाना है। तो 3 में से 1 गया तो ये 2 बच गई, तो मैंने यहां लिख दिया 2, दूसरी रो के सामने लिखना है। यहां हमारा बड़ा अंक 7 है, छोटा है -5, तो 7 में से -5 घटाओ, तो 7 -5, तो ये 12 हो जाएंगी। तो ये मैंने यहां पहली पंक्ति के सामने लिख दिया। अब ये काम कॉलम में करिए, हमारा पहला कॉलम है छोटी संख्या 1 है, वे 7 है, तो बड़े में छोटा घटाओ, 7 में से 1 घटाइए, तो 7 में से घटाया 6, तो ये यहाँ आपको ये 6 लिख देना है। दूसरे कॉलम में आ जाओ, पॉजिटिव में से नेगेटिव, बड़ी संख्या 3 है, छोटी -5 है, तो 3 -5, तो ये 8 हो गया। तो ये दूसरे कॉलम का अंतर पहले के सामने लिखना है। योग करिए, 8 और 6 14, 12 और 2 14, दोनों साइड का योग समान आता है तो ऑटोमेट से हल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेट हमने हल कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला है V=, मतलब वैल्यू ऑफ गेम = A1 × B1 - B2 का नॉन नेगेटिव डिफरेंस प्लस B1 × A1 - A2 का नॉन नेगेटिव डिफरेंस, A1 A2 + B1 - B2 इनका नॉन नेगेटिव डिफरेंस। तो हमें वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो वैल्यू ऑफ गेम A1 हमारे क्वेश्चन है 1, तो मैंने लिख दिया 1 गुणा B1 - B2, तो विद्यार्थियों B1 - B2 हमारा है 12, तो ये मैंने 12 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है। B1 है 7, तो मैंने 7 लिख दिया, इंटू A1 - A2 का अंतर है 2, तो ये हमने 2 लिख दिया, तो मैंने इनको कोष्टक में कर दिया। A1 - A2 का अंतर चाहिए अपने को, A1 - A2 का अंतर है 2 प्लस B1 - B2 का अंतर है 12, तो ये 12 हो गया। तो वैल्यू ऑफ गेम 1 × 12, तो 12 प्लस 7 × 2 14, 2 + 12 बराबर 14, योग किया हमने तो यार 14 और 12 26, 26/14 या 13/7,
तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम 13/7 है। अब हमें अनुपात देखने हैं, अर्थात हमारा जो प्लेयर है उनके अनुपात क्या हो। प्लेयर ए की व्यू रचना विद्यार्थियों आपको समझनी है। प्लेयर ए क्या काम में लेते हैं, ये अनुपात इसका 12 है और ये है 14 है, तो प्लेयर ए की व्यू रचना आएगी 12/14 और दूसरी व्यू रचना जो है वो है 2/14, अर्थात वो इस अनुपात में अपने रेशियो यूज करेगा 12/14 और 2/14। आप इसको आप काट के छोटा अनुपात भी दिखा सकते हैं। और प्लेयर बी हमारे कॉलम में था तो इसका अनुपात हमारा 8/14 और दूसरा है 6/14। इस अनुपात में आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं 12/2 हो गया, इसका तो है 12/2, इसका अनुपात है 8/6। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये हो गया 6/1, ये हो गया 4/3। तो ये इस रेशियो में अपने व्यू रचनाओं को यूज कर सकते हैं। और वैल्यू ऑफ गेम मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ऑफ गेम इज बराबर है 13/7। तो इस तरीके से आपको गेम थ्योरी में 2/2 ऑटोमेट्स विधि को आप हल करके दिखा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए, वो मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SKS स्पेस ई क्लासेज के नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कल के लेक्चर में मैं इससे अगला मेथड, अगर आपका 2/2 क्वेश्चन से आपको हल करना है और हमारे पास ऑप्शन 2 से ज़्यादा है तो प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर हम 2/2 में कैसे कन्वर्ट करें उसके आधार पर आपको समझना है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप अवश्य देखिए ताकि प्रभाविता सिद्धांत आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।